सबसे पहले फरवरी की एंड में 22 फरवरी को आई थी मेरे पास। उन्हें पिक्चर यही थी, उन्हें तकलीफ यही थी कि उन्हें बुखार नहीं छोड़ रहा था, और इस हिसाब से वो काफ़ी डॉक्टर से दवा ले चुके थे। उनके पास तकरीबन सब टेस्टें की हुई थी, उनमें मलेरिया की, टाइफाइड की और भी बहुत सी टेस्टें सब की हुई थी, मगर फिर भी और चेस्ट इन्फेक्शन भी था उसे। तो मैंने उन्हें HIV एडवाइज़ की फ़र्स्ट ऑफ ऑल। एडवाइज़ करने के बाद जब उसकी यहाँ से रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आई, तो मैंने उसे कंफर्म करने के लिए आगा खान भेजा। आगा खान लैब से वो 3 सैंपल्स आगा खान वालों ने लिए और उसके बाद वो पॉजिटिव आ गई। और मुझे एक क्लू मिला, धचका भी लगा कि इतने छोटे बच्चे में, 16 माह की बेबी में HIV। हिस्ट्री यही थी कि उसे बहुत से डॉक्टरों ने ट्रीट किया था। शी वेंट टू पीडियाट्रिशन आल्सो। तो मुझे लगा कि ये डॉक्टर्स गिफ्ट है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में और उसके माँ बाप नेगेटिव, बड़ा अलमिया ये कि मदर एंड फादर बोथ आर नेगेटिव, नॉन रिएक्टिव फॉर HIV। तो होना तो यही चाहिए ना कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो फ्रॉम मदर टू बेबी, मदर नेगेटिव, बाप नेगेटिव मगर बेबी पॉजिटिव। तो उसके बाद मुझे एक क्लू मिला के हो सकता है जो बेबीज मेरे पास डेली आ रहे हैं मेरी डेली प्रैक्टिस में, रूटीन प्रैक्टिस में, देन आई जस्ट एडवाइज देम ऑल के जाओ HIV करवा के आओ, जाओ HIV करवा के आओ। तो 15 दिनों में 15 बच्चे पॉजिटिव आ गए फ्रॉम PPHI और 5 आ गए आगा खान से। यानी 24 अप्रैल को जब ये सडन आउटब्रेक हुई, न्यूज़ में आ गई ये बात, तो 20 उस वक्त मेरे पास पेशेंट्स थे इन हैंड। और अभी वो मेरा सिलसिला चल रहा है, 85 तक मेरा नंबर गया है, 85 पेशेंट्स व्हिच आई हैव आइडेंटिफाइड ओनली, 85, 20 फ्रॉम आगा खान एंड 65 फ्रॉम PPHI। लारकाना में जो स्क्रीनिंग कैंप है वहाँ पे वो जाते हैं इलाज के लिए। उसके अलावा जो स्क्रीनिंग कैंप रत्तोद्रो में लगी हुई है उसकी फिगर आज 600 से तजावज़ कर चुकी है, तकरीबन 700 से मेरा केसेस मिला के 700 से तजावज़ कर चुका है। और पहले दिन जैसे ये मैंने अनअर्थ की थी बात और आइडेंटिफाई की थी, तो दूसरे दिन पे आए थे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाले, SACP वाले, लारकाना से डॉक्टर होलाराम साहब यहाँ आए थे। उन्होंने आते ही मुझे इस बात को, मेरी रिपोर्ट्स को यूं करके फेंक दिया कि ये हम नहीं मानते। अच्छी बात है आप ना माने, किस बेसिस पे नहीं मानते? कहा कि हम अपने तरीके से करते हैं, हमारी WHO रिकमेंडेड किट्स हैं SACP वालों के पास, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वालों के पास, हम उन किट्स पे करते हैं, अगर उसमें वो चीज़ आई तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा आप शक के बुनियाद पे आप कह सकते हैं, बाकी रिजेक्ट करना आपका काम नहीं है। फिर उन्होंने जब अपने हाथों से आके यहाँ पर स्क्रीनिंग कैंप लगाई, और वो भी मेरे ही कहने पर, सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ का नोटिस लिया, हेल्थ सेक्रेटरी ने इस चीज़ का नोटिस लिया कि ह्यूज नंबर है, आ गया है पॉजिटिव। कम्युनिटी में कितने केसेस हैं जो अभी और मौजूद हैं, और इन्हें आप आइडेंटिफाई करें, स्क्रीन आउट करें और उसका पता लगाएं, ये आपका काम है, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वालों का काम है।